22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लाखों स्थित रॉयल गार्डनिया रिजॉर्ट में भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया जाएगा। ने बताया है कि राम धैर्य मर्यादा के आदर्श पुरुष है और उस मैसेज को हम सब जी पाएं, उनके उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पाएं और आम जनमानस में हम यह भी मैसेज देना चाहते हैं कि राम किसी भी मजहब किसी भी जाति के विभेद को नहीं मानने वाले लोग हैं, लोग थे और हम भी उन्हीं के मार्ग पर चलेंगे। हमारा उद्देश्य एकता है, यूनिटी है। हमारा उद्देश्य राम के मैसेज को आम जनमानस तक पहुंचाना है, साथ ही साथ इस अवसर पर उसको एक सेलिब्रेट करना है। और हम लोग पूरा भारत देश ने पूरा विश्व खुश है, पूरा विश्व राममय है। हर देश के लोग, हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग ये जो आज जो इतिहास भारत रच रहा है इसको देख रहा है और भारत एक विश्व गुरु जो बनने की परिकल्पना हम लोग की थी उस राह पर चल पड़ा है। इस इतिहास बनने में अगर हम लोग शरीक हो पा रहे हैं तो हम लोगों के लिए खुशी वाली बात है। और हम सब जानते हैं कि वर्षों के संघर्ष के बाद ये हमें आज ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। हम तमाम इनमें जिन्होंने अपना काम किया है, अपनी बलिदानी दी है, कुर्बानी दी है, समय दिया है, उन तमाम लोगों को नमन करते हैं और श्री राम को नमन करते ही हैं और उनके आदर्श पर चलने की हम लोग कोशिश करेंगे। और 22 तारीख को जो अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो सब लोग हमें यहाँ बेगूसराय में लाइव देखने को मिलेगा। भगवान राम का कीर्तन होगा, भजन होगा, प्रसाद वितरण समारोह होगा और हम तमाम लोगों से, जितने भी राम भक्त हैं, सब लोगों से आग्रह करते हैं कि रॉयल गार्डन रिसोर्ट में 22 तारीख को सुबह आएं और उस कार्यक्रम में शामिल हों और हम लोग एक खुशी मनाएं, आनंद उठाएं और श्री राम को नमन करें। ये जो हर समुदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, मंदिर हो या कोई भी घर हो, बनने में वक्त लगता ही लगता है, तो इसलिए इसमें नाराज़गी कहीं कोई बात नहीं है। वो लोग अपनी बातें रख रहे हैं कि थोड़ा और दिन रुक सकते थे, लेकिन जब अच्छा मुहूर्त होता है, समय होता है, तो आप किसी को नहीं रोक सकते हैं। वो काम होके रहेगा, वो सही मुहूर्त चल रहा है, सही काम हो रहा है, कोई रोक नहीं सकता है। श्री राम लला आ रहे हैं तो आ रहे हैं। TTN 24 के लिए बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम। नमस्कार, आप देख रहे हैं TTN 24। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेगूसराय के NH 31 डॉक्टर रंजन कुमार के पास, जहाँ आज प्रेस वार्ता कर 22 जनवरी को रामलला का जो है ये जो है शासन करना उसके लेकर खुशी जो है पूरे देश में मनाई जा रही है। वहीं बेगूसराय में भी इसकी जो है रामलला आ रहे हैं, पूरे देश में जो खुशी है उसके बाद बेगूसराय में इस खुशी को देखने के लिए जो है आज डॉक्टर की टीम, जो संस्था कहा जाए को जो सामाजिक संस्था है, उनके द्वारा प्रेस वार्ता किया गया और भाई स्वागत जो है रामलला का करेंगे जो 22 जनवरी को रखा गया है, जो पूरे देश दीपावली के रूप में मनाए जाएंगे और अपने अपने घरों में दीप जलाकर रामलला की जो खुशी है वो जाहिर करेंगे।